ठीक है, सबसे पहले बोलूँ ठीक है। हाँ वो बोलते हैं ये चेंज सिस्टम है, मेंबर बनाने का सिस्टम है, ये वो है, फलाना ठिकाना ढिकाना है, मतलब बहुत जोर जोर की कुछ बोलते हैं। मैं एक बात बोलता हूँ ठीक है, मैं पूछूँ उनसे कि तुम्हें पता है एक्चुअली चेंज सिस्टम होता क्या है, तुम्हें पता है? पता है एक ऑथर, एक बहुत बड़ा चलते नेटवर्क मार्केटर है, उसका नाम है रैंडी पेज, रैंडी पेज, उसने एक बुक लिखी है मल्टी लेवल मनी मशीन, मल्टी लेवल मनी मशीन सर, इसको MLM बोलते हैं और कहीं जगह पे डायरेक्ट सेलिंग को इसी के बुक से नाम, इसी के बुक के नाम से जाना जाता है MLM। इसने बताया कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम, तीन तरह के सिस्टम होते हैं, पहला सिस्टम होता है चेंज सिस्टम। पता है इस सिस्टम में क्या होता है? ये सबसे आउटडेटेड और सबसे पुराना वर्जन ऑफ सिस्टम है जिसमें लोग किसी प्रोडक्ट को प्रमोट किया करते थे, लेकिन आज ये पूरी तरह से आउटडेटेड है और इसको हटा दिया गया। बहुत ही कम और लो लाइट के, मतलब कहते हैं ना जो कंपनियां डायरेक्ट प्रॉफिट सीख करती है वही इसको चलाती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ए है, ए ने क्या किया, बी को प्रमोट किया, बी ने क्या किया, सी को प्रमोट किया, आगे क्या हुआ, सी ने काम करना बंद कर दिया। अब अगर ए को इनकम चाहिए तो ए को खुद जाकर बी को प्रमोट करना पड़ेगा, तब जाकर ए की इनकम कंटिन्यूअस रहेगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर बी ने जाकर प्रमोट कर दिया डी को तो एक इनकम नहीं आएगी। मतलब यहाँ जिस लेवल से जिस इंसान ने प्रमोट कर दिया उसके पीछे वाले लोगों के इनकम आना बंद हो जाएगी। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, मान लो फिर डी ने भी काम करना बंद कर दिया तो डी ए को क्या करना पड़ेगा, आकर बी को भी प्रमोट करना पड़ेगा। मतलब इस सिस्टम में क्या होता है, एक इंसान को कंटिन्यूअसली और रेगुलरली अपने सिस्टम के साथ और अपनी टीम के साथ जुड़े रहकर उनकी एक एक एक्टिविटी को मॉनिटर करना होता है कि वो एक्टिविटी कर रहे हैं कि नहीं, अदरवाइज उनकी इनकम यहाँ पास रुक जाएगी। तो ये तो होता है चेंज सिस्टम, और ये काफी ज्यादा आउटडेटेड है, इसे कोई नहीं यूज करता। आते हैं दूसरे सिस्टम में जिसको कहते हैं बाइनरी सिस्टम। अब बाइनरी सिस्टम होता क्या है, मान लो आप यहाँ हो, आपने क्या किया, टीम बनानी शुरू की, मैं एक तरफ तो बनाऊंगा क्योंकि उधर शायद देखा नहीं, ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा बनाया था, अब तो दो तीन लेवल। अब बाइनरी सिस्टम होता क्या है, ठीक है, आप इसे इस तरह देख रहे हो, मैं आपको सही से दिखाऊंगा, ठीक है। बाइनरी सिस्टम होता क्या है, मान लो इस तरह से आपने टीम बनाई, बहुत बड़ी टीम बनती, और आने वाले टाइम पे क्या हुआ, इसने काम करना बंद कर दिया, इसने काम करना, इसने 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 भी काम करना बंद कर दिया, कुछ लोगों ने काम करना बंद कर दिया, तो क्या आपका काम रुक जाएगा, क्या आपने आपका काम रुक जाएगा, नहीं ना। और सर आप इसको थोड़ा सा इन्वॉल्व करके देखो, मैंने इसको अगर पलट के देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ इस तरह दिखेगा, कुछ ना कुछ इस तरह दिखेगा, समझ में आया। इसको अगर आप इन्वॉल्व करके देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि ये आप एक ट्री की तरह है, बाइनरी सिस्टम एक ट्री की तरह है जिस पर लाइट काम करती है, ये बिल्कुल एक ट्री की तरह है जिसको आपने हेल्प किया ग्रो करने में और उसे बड़ा बनाने में, और आज वो ट्री एक सस्टेनेबल लेवल पे पहुंच गई है और आपको बिना इनपुट के भी फ्रूट दे सकती है। अगर उस टाइम पे अगर उसकी एक दो डाली अगर आप काट दोगे तो क्या फ्रूट आना बंद हो जाएगा, क्या उसका क्या होता है, मतलब उससे जो क्या होता है आपको प्रॉफिट हो रहा है वो बंद हो जाएगा, नहीं होगा ना। ये चीजें होती है, ये होता है एक्चुअली बाइनरी सिस्टम, वी आर नॉट वर्किंग ऑन चेंज सिस्टम, वी आर वर्किंग ऑन बाइनरी। अब क्लियर हुआ, अब बाइनरी सिस्टम का फायदा, एक बात बताओ, पेड़ लगाना अच्छा है कि बुरा? अगर ऐसा पेड़ लगाया जाए जहाँ पर हर इंसान अपना खुद का भी पेड़ बना सकता है, अपने खुद की भी क्या चीजें बना सकता है, अपने लिए खुद की भी क्या है ऐसा सिस्टम बना सकता है जहाँ से उसको भी उतना ही बराबर इनपुट, मतलब आउटपुट मिले, इनपुट देने पे बराबर, इनपुट देने पे बराबर आउटपुट मिले, क्या वो सही है कि गलत? सही है ना। और सर उसी तरह होता है तीसरा सिस्टम जिसको हम कहते हैं, ठीक है, बाइनरी सिस्टम, पिरामिड सिस्टम, ठीक है, उसको थोड़ा सा आप समझ लेना, ठीक है। अब पिरामिड सिस्टम थोड़ा समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल तब से भी दे देता हूँ, इसके ध्यान देना। तीसरा सिस्टम होता है वो होता है पिरामिड सिस्टम, पिरामिड सिस्टम, ठीक है। पिरामिड सिस्टम में क्या होता है, लेवल्स होते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पास, ठीक है, यहाँ पास दो लोग हैं, यहाँ पास पांच लोग हैं, और यहाँ पास एक इंसान, इन दो लोगों ने क्या किया, इनसे 10,000 रुपये लेकर इसको दे दिया, और इसने क्या किया, इनको 1,000 रुपये और इनको 5,000 रुपये, मतलब क्या इसके पास टोटल कितना आया, 50,000 रुपये। और इसने थोड़ा मनी फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए कि आपने पैसे लगाए तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, क्या किया, इनको बिना प्रोडक्ट के, बिना किसी चीज़ों के, बिना किसी इन रिटर्न ऑफ कैश के, मतलब अपने पैसे दिए तो उसके बदले कुछ आना चाहिए ना, बिना उसके सिर्फ पैसे वापस लौटाने चालू कर दिए, तो इनको 5,000 दिया, इनको 5,000 मतलब 15,000 रुपये दिया, और बाकी का पैसा किसके पास गया। अब इन पांच लोगों ने क्या किया, आगे और 10 लोगों को स्पॉन्सर, 20 लोगों को और स्पॉन्सर,
हमने दो दो लोगों को और स्पॉन्सर किया तो और क्या हुआ, ये और बड़ा हुआ और फिर वापस पैसे घूमकर इसके पास गए। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप एक ही इंसान को रिच करने के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, एक ही इंसान को ज्यादा अमीर बनाने के लिए काम कर रहे हो। और पता है अब इसको मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है, अब प्रैक्टिकली क्या दिखाता हूँ। हर कंपनी में एक सीईओ होता है, उसकी टीम में कई एमडीज होते हैं, एमडीज मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ठीक है, एमडीज की टीम में कई जीएम्स होते हैं, है ना, जीएम्स होते हैं, जीएम्स की टीम में कई एम मतलब मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, मैनेजर्स की टीम में कई असिस्टिंग मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, असिस्टिंग मैनेजर्स की टीम में कई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होते हैं या कोई भी टॉप मोस्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होते हैं जो भी होते हैं, उनके नीचे फिर क्या होते हैं इंजीनियर्स होते हैं, उनके नीचे सुपरवाइजर होते हैं, उनके नीचे लेबर्स होते हैं। ध्यान से देखना, अब जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई, मैंने आपको नेटवर्क दिखाया था, यहाँ पर भी आपको नेटवर्क मतलब दिखाई, कहीं बस मैं आपको नेटवर्क दिखाकर बताकर आपको ये कर रहा हूँ कि आपको ये काम करना है, लेकिन आप अगर यहाँ नहीं तो सर यहाँ आकर भी उसी नेटवर्क का हिस्सा बन जाओगे। और सर जब आप यहाँ से काम कर रहे होगे तो आपको क्या लगता है सीईओ हर इंसान बन सकता है, हर जीएम सीईओ बन सकता है, अच्छा हर मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ बन सकता है, अच्छा सीईओ मान लो सीईओ ही है कंपनी का फाउंडर नहीं है, तब तो हर सीईओ क्या मैं कह दूं, कोई भी सीईओ कभी कंपनी का फाउंडर नहीं बन सकता, मतलब उसको जो कंपनी से रॉयल्टी इनकम होगी, जो कंपनी का प्रॉफिट होगा वो डायरेक्टली पूरा मिलेगा, वो हमेशा उस इंसान को जाएगा जिसने कंपनी को एस्टैब्लिश किया। लेकिन लाइट में वो इंसान हर इंसान चाहे वो तो आप भी प्लैटिनम बन सकते हो, आप भी रूबी बन सकते हो, आप भी डायमंड बन सकते हो, कोई भी स्टॉपेज नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है। तो ये कहने का क्या मतलब है, आइदर आप अपने इच्छा से नेटवर्क बनाओगे, आइदर किसी और के नेटवर्क में बैठकर उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करोगे। अब सच बात जानते हो दोस्त, एक सच बात बताता हूँ, रैंडी गेज ने उसी बुक में एक बात लिखी थी, पता है क्या लिखी थी उसने, लिखा था कि दुनिया में ना 98% लोग ना पता है क्या करना चाहते हैं, दुनिया में 98% लोग जो है ना नेटवर्क नहीं बनाना चाहते, वो नेटवर्क नहीं बनाना चाहते, और 2% लोग जानते हो क्या करते हैं, 2% नेटवर्क बनाना चाहते हैं, पता है ये 98% लोग जानते हो क्या करेंगे, अपने जन्म से कहते हैं फाइट करेंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, कहते हैं ना पढ़ाई करेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिट करेंगे, बहुत ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे, बहुत ज्यादा रात रात भर कॉम्पिटिशन तैयार करेंगे, बहुत एग्जाम्स क्रैक करेंगे, अपने क्लास में टॉप भी करेंगे, अपनी जगह पे बेहतर भी बनेंगे, ठीक है, अपनी जगह पे फर्स्ट स्टैंड करेंगे, अपनी जगह पे वो करेंगे, और जानते हो क्या करेंगे, लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे सर इतना सब कुछ करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, सारी चीजें करने के बाद, एट द एंड ऑफ द डे इन 2% लोगों के लिए आकर काम, क्योंकि इनको नेटवर्क बनाना है तो ये तो 98% लोगों में से ही लेकर आएंगे। सबसे बड़ी बात जानते हो, आयरनी ये नहीं है, आयरनी ये है कि दुनिया के 98% लोग वर्ल्ड का सिर्फ 2% पैसा एंजॉय करते हैं, और ये कहते हैं 2% लोग दुनिया की 98% वेल्थ एंजॉय करते हैं। मान लो दो वो है ए और बी, दो पॉन्ड है, इसमें 98 फिशेस हैं, धनी को कुछ देर के लिए फिश मान लेते हैं, इसमें 98 फिशेस हैं और दो लोग पकड़ने वाले बैठे हैं, इसमें क्या है 98 लोग पकड़ने वाले बैठे हैं और दो फिशेस हैं, आपके पास यहाँ चांस है, आप कहाँ जाना चाहोगे, ए में बी में, ए में जाना चाहोगे, ए में जाना चाहोगे, लेकिन आज आपका आज आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा कोई ऑप्शन है जो आपको ए में ले जा सकता है, नहीं ना, मतलब आप जाना